हेलो, मैं बाहर आ गई। हेलो सर। क्या यार, नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। पूजा, पूजा सर अपना फोन लेकर तो आ। क्यों नहीं लग रहा यार। क्या हुआ दीदी? सर अपना फोन देना, मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है। ये लीजिए। अरे वाह, तेरे पास तो आईफोन है। लगता है पीछे वाली सोसाइटी से तूने बहुत पैसा कमाया है। मतलब दीदी? अरे मतलब वहाँ काम करती है ना तू? अरे नहीं नहीं दीदी, उस सोसाइटी में तो मेरा घर है। क्या, वो जो पीछे वाली सोसाइटी है उसमें तेरा घर है? तू वहाँ रहती है? आप किसी को बताना मत, ससुराल है मेरा वो। पर तू यहाँ पे ऐसे काम क्यों कर रही है? तेरे पास तो सब कुछ है, इतना अच्छा घर है, तो फिर ये सब? दीदी खुशी से थोड़ी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी जॉब थी, किसी कारण की वजह से उनकी जॉब छूट गई और बहुत ढूंढा उन्होंने जॉब, पर कहीं अच्छी जॉब मिली ही नहीं। जैसे तैसे एक छोटी सी जॉब मिली है जिसमें घर खर्चा चल ही नहीं पाता है। बहुत कोशिश करते हैं हम और मुझसे ना देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। और मैंने कई जगह इंटरव्यूज दिए हैं, बस क्लियर होने में टाइम लग रहा है। तो फिलहाल आपके यहाँ पे काम कर रही हूँ ताकि थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। और मैंने ये सारी बातें आपकी मम्मी जी को बताई है, बस आप किसी और को मत बताना। अच्छा ठीक है ठीक है, ये ले अपना फ़ोन, जा अंदर जाके काम कर, बाद में कॉल कर लूँगी। चाहिए दीदी आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ, सारा काम करती है। अच्छा पूजा सुन, कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। क्या हुआ दीदी, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि तुझे मम्मी जी ने यहाँ पे इसलिए रखा था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सारे काम मैं खुद कर सकती हूँ, तुझे यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दीदी मैंने आपको सारी बातें बताई ना कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। दीदी अभी मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। मैंने बोला ना नहीं आने की जरूरत, सॉरी कल से मत आना, जाओ। पर जस्ट गो। तुम्हें ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकती, इसलिए ही पैसे मैंने तुम्हारे बैग में रखे हैं। देखो हम दोनों पड़ोसी हैं और मैं नहीं चाहती तुम ऐसे किसी के भी घर में काम करो। जितने पैसे मैं तुम्हें देने वाली थी उतने तो मैं सेविंग कर लेती हूँ, तो मैं तुम्हें दे दिया करूँगी। जब तुम्हारी या तुम्हारे पति की अच्छे से जॉब लग जाए ना तो तुम मुझे वापस दे देना। लेकिन हाँ, उसके बदले में मुझे ये चाहिए, जब भी मेरा बुरा वक्त आए तुम मेरे काम आओ। तुम्हारी पड़ोसी स्वरा।